सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर टू सॉल्यूशंस. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर सॉल्यूशंस. सो सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, जिसमें कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये या तो होता है सॉल्यूट या होता है सॉल्वेंट, विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जर क्वान्टिटी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम क्वान्टिटी में या स्मॉलर क्वान्टिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. किसी भी सॉल्यूशन में अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं. नाउ सॉल्वेंट इट कैन बी आइदर सॉलिड और लिक्विड और इट कैन बी गैस. Similarly, solute can also be solid, it can be a liquid, it can be a gas. Now, solid as a solute can be present in solid solvent, it can be present in liquid solvent, it can be present in a gaseous solvent. Similarly, liquid solute can be present in solid, liquid or gaseous solvent. Similarly, gaseous solute can also be present in solid, liquid or gaseous solvents. Now depending upon ki solvent solid hai, liquid hai ya gas hai, we classify the solution. Agar solvent solid hai to we classify it as solid solutions. Agar solvent liquid hai to they are called as liquid solutions. Aur agar solvent gas hai to these are called as gaseous solutions. In the solid solutions, the solute can be solid, liquid or gas. Similarly, liquid ke case mein and similarly gaseous solutions ke case mein, the solutes can be solid, liquid or gas. Now let us first see solid solutions. Solid solutions ke case mein kya hota hai? Solvent is solid. But we know ki jo solute hai, wo solid, liquid ya gas, in teenon mein se kuch bhi ho sakta hai. तो इसको हम किस तरह से रीड करेंगे? सॉलिड इन सॉलिड. इसको हम कैसे रीड करते हैं? लिक्विड इन सॉलिड. इसको कैसे रीड करेंगे? गैस इन सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड, इसका सबसे इजी और सबसे कॉमन एग्जांपल है एलॉयज. आपने अपने घर में भी देखा होगा हम ब्रॉन्ज के बर्तन यूज़ करते हैं या फिर हम बहुत सारे एलॉयज यूज़ करते हैं, लेकिन उस एलॉय में ऐसा नहीं होता कि आपको एक पार्ट में एक मेटल दिख रहा है और दूसरे पार्ट में दूसरा मेटल दिख रहा है. आपने देखा होगा कि ये जितने भी आपको एलॉयज आप यूज़ कर रहे हो घर में या एलॉयज की जो मूर्तियाँ भी बनती हैं, ये आपको दिखता है ये यूनिफॉर्म होती हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन की होती हैं, एक जैसी सी दिखती हैं. सो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन सॉलिड. इसका एग्जाम्पल हो गया सबसे कॉमन मरकरी इन सोडियम, इसको हम सोडियम मरकरी अमालगम भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड. गैस इन सॉलिड का मतलब क्या है? कि गैस आपने सॉलिड में डिजॉल्व कर रखी है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अगर आपको पता हो तो इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशंस आर लिक्विड सोल्यूशंस. लिक्विड सोल्यूशंस का क्या मतलब है? जहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा. बट जो सॉल्यूट है इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अगेन हम इसको बोलेंगे कैसे? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. इसको हम कैसे बोलेंगे? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. इसको हम बोलेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. सॉलिड इन लिक्विड, जैसे आप घर में नॉर्मली भी करते हो, हमने अगर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, शुगर सॉल्यूशन बना लिया, है ना. लिक्विड इन लिक्विड मतलब आपने दो लिक्विड मिक्स कर दिए. फॉर एग्जांपल यू हैव मिक्स्ड इथेनॉल इन वाटर, बट होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने ऑयल को वाटर में डाल दिया और आप उसे कह रहे हो कि वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है. नहीं, सॉल्यूशन की तो डेफिनेशन ही यही है कि इट शुड बी ए होमोजीनियस मिक्सचर. तो आप ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करोगे जो होमोजीनियस हो, यानी कि एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए. गैस एंड लिक्विड, इसका एग्जांपल भी बहुत कॉमन है. कोला ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं उन सब में क्या होता है? गैस इज डिसॉल्व्ड इन
वाटर. फॉर एग्जाम्पल CO2 इज डिजॉल्व इन वाटर. ओके, उसके बाद नाउ थर्ड इज गैशियस सॉल्यूशंस. नाउ गैशियस सॉल्यूशंस में हमें पता है कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होती है, गैस होती है. नाउ सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन. सॉलिड इन गैस इसका मतलब क्या, आपने कोई सॉलिड डाला है गैस में. इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आयोडीन वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. लिक्विड इन गैस इसका मतलब क्या है, आपने कोई लिक्विड लिया एंड मिक्स्ड विद गैस. सो फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस. गैस इन गैस ये तो हम सबको पता है, एयर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस. नाउ ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट. नाउ कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. नाउ दिस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, वन इज क्वांटिटेटिव, सेकेंड इज क्वालिटेटिव. क्वांटिटी में हम ये बताएंगे कि एग्जैक्ट कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है. क्वालिटेटिव में हम सिर्फ ये बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या वो कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, अगर कम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे. अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. नाउ क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के या क्वांटिटी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, जैसे हम निकालते हैं मास परसेंटेज, देर इज वॉल्यूम परसेंटेज, देर इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन देर इज मोलैरिटी, देर इज मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी अभी आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है. देन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हम काई यानी कि एक एक्स की तरह शो करते हैं, एक्स नहीं बोलते हैं लेकिन ये काई बोला जाता है. सो दिस इज मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, देन इज मास फ्रैक्शन, एंड द लास्ट वी हैव ppm विच इज पार्ट्स पर मिलियन. तो ये सब तरीके हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिवली. सबसे पहले हम देखेंगे मास परसेंटेज. मास परसेंटेज होती है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. क्योंकि ये परसेंटेज है इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 100. सिमिलरली ये होती है वॉल्यूम परसेंटेज. ये क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगेन परसेंटेज है तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, इसलिए इसको हम ना मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं क्योंकि ये मास बाय मास है. और इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे हमने दोनों वॉल्यूम्स लिए हैं. नेक्स्ट होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हम ऊपर लेंगे मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस हैज टू बी इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो इसीलिए इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं. नाउ ये जो परसेंटेज है इसका यूज क्या है, इसका यूज है अगर आपको न्यूमेरिकल में सपोज लिखा है कि यू हैव अ 10% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बाय मास. तो इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. इफ इट इज रिटर्न 10% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, अगर बाय वॉल्यूम लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन
100 ml of solution. और अगर सपोज करो कुछ नहीं लिखा और सिर्फ लिखा है कि 10% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है, सिर्फ ये लिखा है, ना बाय मास लिखा है ना बाय वॉल्यूम लिखा है, तो उस केस में स्टूडेंट्स आपको इसको बाय मास कंसिडर करना है. ठीक है, बाय मास कंसिडर करने का मतलब क्या है, किसका मतलब हो जाएगा कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्ट्रेंथ. ना स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो है ग्राम पर लीटर, और ग्राम का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. थर्ड क्वांटिटी इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स. अगर ml में यूज कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो आप वॉल्यूम को ही कन्वर्ट कर लो ml से लीटर्स में. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज मोलैलिटी. ठीक है, मोलैलिटी जो होती है इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, शो करते हैं, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से शो करते हैं. नाउ मोलैलिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे नीचे वी टेक वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन केजीज. ठीक है, अगर मुझे इसकी डिफाइन करना पड़े, मतलब मोलैलिटी को अगर डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. यानी कि अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 रख दिया यहाँ पे, तो जो मोलैलिटी है दैट विल कम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो सपोज अगर मैंने लिखा है एग्जाम में कि आपके पास एक सॉल्यूशन है विच इज 4 मोलल, स्मॉल एम लिखा है मतलब मोलल सॉल्यूशन है, यानी कि मोलैलिटी दी हुई है. तो अगर एग्जाम में सिर्फ लिखा है कि एक 4 मोलल सॉल्यूशन है और आगे न्यूमेरिकल दे दिया, तो इस 4 मोलल का मतलब क्या है कि 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg. 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरह का स्टेटमेंट बहुत आएगा. सिमिलरली 4 कैपिटल एम यूरिया सॉल्यूशन लिख दिया है सपोज, इसका मतलब क्या है कि 4 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन, सी दिस इज मोलैरिटी, जिसमें हम नीचे क्या लेते हैं वॉल्यूम लेते हैं लीटर्स में, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. लेकिन जब हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा यहाँ हमने सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया है. तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है. यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों चीज़ें आती हैं. सो व्हेन वी आर सेइंग कि 4 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है कि 1 liter इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और ये टोटल वॉल्यूम है 1000 ml या फिर 1 liter. अब अगर यूनिट्स पूछी जाए आपसे तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लिखते हैं मोल्स है ये क्योंकि कोई और यूनिट तो है नहीं इसकी, और ये जो वेट है दिस इज इन kg, सो वी कैन राइट मोल्स पर kg. सिमिलरली यहाँ पे हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर. ठीक है, या फिर हम सिर्फ सिंपली कैपिटल एम लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे हम सिंपली
स्मॉल m लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन बेटर है और क्यों। तो यू कैन सी हेयर कि जो मोलैरिटी है इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, वेयर एज मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन वेट। ठीक है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, एज वी हैव सीन इन चार्ल्स लॉ दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन जो मास है, मास डस नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इसीलिए जो मोलैलिटी होती है, दिस इज अ मोर रिलायबल टेक्निक। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। रीजन क्या है कि जो मोलैरिटी है इट चेंजेस विद टेम्परेचर, है ना। वेयर एज जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मोल का फ्रैक्शन। सपोज यू हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, हमने नाम लिख दिए उनके ए और बी। नाउ सपोज इफ यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर ए, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, तो हमें काई निकालना है ए के लिए। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन फॉर बी, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। नाउ सपोज अगर सॉल्यूशन में ए दो से ज़्यादा कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी चार कंपोनेंट्स हैं, या सपोज करो उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट है और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबका मोल फ्रैक्शन, सबके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम डिनोमिनेटर में। सिमिलरली सपोज यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन अगेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टोटल ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन, यानी कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू वन। इसका यूज कैसे करते हैं? सपोज आपको कोई बाइनरी सॉल्यूशन दिया क्वेश्चन में और आपको कहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.4, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू वन। अगर ये पता है तो यहाँ से हम सीधा क्या करेंगे, काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू वन, काई ए में 0.4 डाला प्लस काई बी इक्वल्स टू वन, सो काई बी विल बी इक्वल्स टू 1-0.4 इक्वल्स टू यानी कि 0.6। तो अगर हमें एक कंपोनेंट पता है और दूसरे का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हो, चाहे सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो, सबका टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1 है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज मास फ्रैक्शन। अभी जैसे हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है, वैसे ही मास का फ्रैक्शन है। अगेन दिस इज शोन बाय काई। सपोज यू हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन, दो ही कंपोनेंट्स हैं उसमें ए एंड बी, तो हमें अगर मोल फ्रैक्शन ए के लिए निकालना है तो ये क्या होगा, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो वो क्या होगा, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कोई मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है क्योंकि हम ये फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वांटिटी इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि सपोज इफ आई एम सेइंग कि आपके पास एक सॉल्यूशन है विच इज 15 ppm, इसका मतलब क्या है, सपोज 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म जो है दैट इज प्रेजेंट इन 10^6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास जब भी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं
यानी कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूट जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बहुत डाइल्यूट है। सो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम ppm के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। और इस पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वी मल्टीप्लाई हेयर बाय 10^6, क्योंकि हम मिलियन पार्ट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा मास फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, सो दिस इज यूनिटलेस, यानी कि हम इसे कह सकते हैं दिस इज डायमेंशन लेस क्वान्टिटी, वेर एज इसके केस में यूनिट क्या है? ppm। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशंस वी हैव सीन जस्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब जैसे कि क्वेश्चन अगर आप देखो तो इससे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे इथेनोइक एसिड सल्यूट है और बेंजीन इन्होंने एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो वैसे आपको पता होना चाहिए, ऑल दो ही क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इथेनोइक एसिड पता होना चाहिए कि ये CH3COOH होता है। नाउ मोलैलिटी, सबसे पहले कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना है हमेशा आप देखो आपको क्या क्या डाटा दिया है और क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है, जो कि क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या दिया है यहाँ पे? इथेनोइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन। दिस मास शुड बी इन kg। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, ये कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास आपको दिया है 2.5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? एक कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे? एटॉमिक मासेस को टोटल करेंगे, तो इट विल बी 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1। सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.0417। अब मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं इजीली, तो मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स में दिया है 75 ग्राम, तो kg में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो जो मोलैलिटी है ये आएगी 0.556। अब आप यहाँ पे यूनिट्स में मोल पर kg भी लिख सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट सिंपली राइट 0.556 मोलल के लिए स्मॉल m। नाउ सेकेंड चीज़ जो पूछी है क्वेश्चन में, वो पूछा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा? हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? इथेनोइक एसिड का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब इथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ से कितना आया था? 0.0417, तो आई कैन पुट दिस 0.0417 डिवाइडेड बाय 0.0417 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ये कैसे निकालेंगे हम? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बेंजीन होती है C6H6, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास देखूं इसका तो वो क्या होगा? 12 × 6 + 6, यानी कि 78। तो व्हाट आई कैन डू, गिवन मास कितना है बेंजीन का? 75, और इसका मोलर मास है 78। तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन जो है इट विल कम आउट टू बी 0.0416।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला दिया हुआ है हमें ब्रैकेट में, एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 20 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम्स, और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए अब आपको पता है हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट तो दे दिया 20 ग्राम्स, तो हम क्या करेंगे इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैसे निकालेंगे, 12 एक कार्बन का होता है तो 12 × 2 प्लस 6 × 1। ठीक है, तो 16 × 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 62। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 ये यहाँ पे कितने आ गए, गिवन मास कितना है इसका 20, सो 20 डिवाइडेड बाय 62, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.322। अब इसी तरह से हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो यानी कि हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, जो कि क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। लेकिन क्वेश्चन में हमें वाटर का मास तो दिया ही नहीं है, हमें तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, विच इज H2O, तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन का मास है 100, सॉल्यूट का है 20, तो यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया हमारे पास 80 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए हमारे पास 80, तो गिवन मास हो गया, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो 80/18 आप करोगे दिस विल कम आउट टू बी 4.44। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो ये कितना हो गया 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने 4.44। तो आप इसको सॉल्व करोगे एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 0.068। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो टोटल मोल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो इक्वल्स टू 1 होते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा H2O, तो यानी कि इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम विल बी इक्वल्स टू 1। अब ये हमें पता है कि ये क्वांटिटी कितनी है 0.068 है। ठीक है, तो हम यहीं से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, काई ऑफ H2O विल बी 1 - 0.068 एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.932। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इतने हैं एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज दिस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, और डेंसिटी दी हुई है आपको यहाँ पे, मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालनी है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 15 ग्राम्स H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोलैरिटी में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन
माइनस मास ऑफ H2SO4 यानी कि सॉल्यूट, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 15 यानी कि 85 ग्राम्स सॉल्वेंट हो गया हमारे पास विच इज़ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हमें दोनों में चाहिए, मोलारिटी में भी और मोलालिटी में भी। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, H2SO4 विच इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका, यहाँ देखो 15 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मासेस का सम करके। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना हो गया 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 16 × 4 करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 15/98। तो डिवाइड करोगे इसको आ जाएगा ये 0.153 मोल्स। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है किसका, पहले मोलालिटी का लगा लेते हैं। तो मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, यहाँ देखो बेटा 0.153 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, आप देखो आपने यहाँ निकाला था 85 ग्राम्स, ठीक है, लेकिन ये ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000। तो ये आ गई हमारी मोलालिटी, सो दिस विल कम आउट टू बी 1.8 मोलल। नाउ मोलालिटी के बाद नेक्स्ट इज मोलारिटी। अब मोलारिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सबसे पहले। तो सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी हमें पता है इज इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये सॉल्यूशन के लिए रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन की ही बात करनी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.020। मास ऑफ सॉल्यूशन आप देखो आपने कितना लिया है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम और वॉल्यूम हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इम्प्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.020, सो दिस विल कम आउट टू बी 98.04, बट दिस वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आप यूनिट देखो सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये दिस विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो लेकिन हमें वॉल्यूम यहाँ पे डालनी होती है लीटर्स में, तो हम इसको कैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे इस 98.04 को 1000 से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.09804 लीटर्स। तो ये तो हमारे पास क्या आई है, अभी सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई है। तो अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, अगेन मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने देखा था यहाँ पे निकाले थे हमने, कितने थे 0.153, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकाली है हमने 0.09804। तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे दिस विल कम आउट टू बी 1.56 मोलर, और यू कैन राइट 1.56 मोल्स पर लीटर, सेम यहाँ पे भी आप लिख सकते हो उसको 1.8 मोल्स पर केजी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलालिटी फ्रॉम डेंसिटी। ये एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। सिर्फ आपको मोल फ्रैक्शन दिया है। अब आप ये देखो जो सॉल्यूशन है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है वाटर, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब आप इस क्वेश्चन में देखो आपको दिया है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का दिस इज इक्वल्स टू 0.85, ठीक है, और आपको निकालनी है मोलालिटी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मोलालिटी निकालते हैं तो मोलालिटी का हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हेन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg। अब यहाँ पे आप देखोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, H2O है, वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 1 kg, यानी कि 1000 grams। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ H2O विच इज 18 ग्राम, डिवाइड करोगे दिस विल कम आउट टू बी 55.55 मोल्स। अब हम ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को इस एक्सप्रेशन में डालेंगे, कितने आ गया 55.55 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ये हमें निकालने हैं इक्वल्स टू 0.85। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम इधर ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो गया 55.55 इक्वल्स टू 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 55.55 प्लस 0.85 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। इसको इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आते हैं 9.8। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या थी, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 व्हेन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 1 kg, क्योंकि हमने 1 kg इसको ले लिया है ऑलरेडी, तो 1 kg लेने पर मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जो कि क्या आया है, ये आया है। तो वी कैन से जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 1 kg, सो दिस विल बी 9.8 मोल्स पर kg।